दोस्तों, एवी रिसीवर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू में आपको ट्रू सराउंडिंग साउंड मिलता है सिनेमा हॉल जैसा। उसके साथ साथ उसमें आपको 4K या 8K का पास थ्रू भी मिल जाता है। कोई भी इनपुट डिवाइस को आप रिसीवर में लगा सकते हैं, उसके बाद आपका टीवी या प्रोजेक्टर को आज ए डिस्प्ले यूज कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो में मैं आपके लिए एक 8K रिसीवर लेके आया हूँ। ये है डेनन AVR-S760H 7.2 चैनल डॉल्बी एटमॉस 8K ऑडियो वीडियो रिसीवर। तो आज हम इसका कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज बीबू दत्त फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये एवी रिसीवर 7.2 चैनल का है, इसको आप 5.2.2 चैनल भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है, डॉल्बी विजन भी मिल जाता है, ये 4K एंड 8K दोनों का पास थ्रू भी सपोर्ट करता है। तो ये वीडियो में मैं इसका सभी डिटेल्स दिखाने वाला हूँ। पहले कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग। हाँ, अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ जो बॉक्स पैक में मेंशन है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं, अगर आप ये रिसीवर को कोई भी बिना साइन वेव वाला इन्वर्टर में यूज करते हैं तो आपका वारंटी जो है वो वैलिड हो जाएगा। एंड नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको वारंटी नहीं मिलता है। जबकि मैं इसको ऑनलाइन परचेस किया हूँ, तो इसके बारे में मैं वीडियो का लास्ट में आपको सभी डिटेल्स बताऊंगा। तो बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स देखने के लिए मिलता है, तो वीडियो को पॉज करके भी आप सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक चीज मिस्टेक दिया गया है, जो कि है इसका पर चैनल आउटपुट, जो कि 140 वाट लिखा गया है वो गलत है। इसमें कोई भी चैनल में आपको स्पीकर लगाना है तो 75 वाट 8 ओम का होना चाहिए या 110 वाट 6 ओम का होना चाहिए। तो क्विकली हम इसको अनबॉक्सिंग कर देते हैं। जैसे कि ये आपको वेल पैकिंग में मिलता है, तो ये बॉक्स को मैं साइड में रखता हूँ, एक एक कंपोनेंट उसका आपको दिखाता हूँ। तो पहले ही आपको यहाँ पे रिमोट मिल जाता है, एक बड़ा सा रिमोट है, उसका भी सभी यूजेस में आपको दिखाऊंगा। एंड आपको 3A का 2 बैटरी मिल जाता है। एंड कैलिब्रेशन के लिए कंपनी की तरफ से आपको एक माइक मिलता है। तो ये पाउच के अंदर बहुत कुछ चीज़ है जो कि एक एक करके मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम रिसीवर को बाहर निकाल देते हैं। तो आपको एक पावर कॉर्ड मिलता है जो कि रिसीवर में कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपको एक पेपर का ट्राइपॉड मिलता है, जो कि कंपनी यहाँ पे जो माइक दिया है उसके थ्रू में इसको कनेक्ट करना है एंड साउंड को कैलिब्रेट करना है। नेक्स्ट आपको और भी कुछ कंपोनेंट मिल जाता है, तो इसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जगह में कुछ एंटीना वगैरह आपको मिलता है एंड ये एक स्टिकर मिलता है, जैसे कि आप पीछे कनेक्शन करेंगे तो कौन सा केबल कहाँ पे लगाया है तो उसका इंडिकेशन के लिए यहाँ पे एक कंपनी स्टिकर देता है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। तो कुछ पेपर डॉक्यूमेंट मिलता है एंड लास्ट में आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है, जो कि बहुत बड़ा सा किताब है। तो यहाँ से आप एवीआर का क्लोज लुक देख सकते हैं। डेनन का यहाँ पे बेजिंग दिया गया है एंड यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है। 2 फिजिकल नॉब है जो कि यहाँ से आप सोर्स चेंज कर सकते हैं एंड ये वॉल्यूम रॉकर्स है, तो यहाँ से वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं। तो ये जगह में पावर बटन दिया गया है, यहाँ पे फोन का पोर्ट है एंड ये जगह पे सेटअप माइक का पोर्ट है। तो यहाँ पे कुछ क्विक सेटिंग बटन दिया गया है, जैसे यहाँ पे ब्लू रे प्लेयर आप चेंज कर सकते हैं, गेम मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे साउंड का मोड भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक USB पोर्ट दिया गया है जिसके थ्रू में आप कोई भी पेन ड्राइव यूज करके गाना वगैरह सुन सकते हैं, बट ये वीडियो सपोर्ट नहीं करता है। तो ये है रिसीवर का बैक साइड। जैसे कि यहाँ पे 2 एंटीना दिया गया है, इसमें आपको ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों मिलता है। तो यहाँ से आप ये एंटीना को ऐसे ऊपर उठा सकते हैं एंड यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है, लॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट है, नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको 7 चैनल का यहाँ पे कनेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप 7 चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जगह में आपको ऑडियो इन का पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे प्री आउट भी मिल जाता है जहाँ पे आप सबवूफर यूज कर सकते हैं। ये वीडियो का पोर्ट है, यहाँ पे 2 ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है, इथरनेट पोर्ट भी मिल जाता है, यहाँ पे FM रेडियो भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये जगह में भी देखेंगे तो आपको ऑडियो का इन का पोर्ट भी मिलता है। तो ये सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको HDMI का इन पोर्ट मिलता है। जैसे कि ये जो साइड है ये 4K के लिए है एंड ये जो साइड है ये 8K के लिए है। तो ऊपर मेंशन भी किया गया है, ये जो 3 पोर्ट है ये 4K के लिए है, ये जो 3 पोर्ट है ये 8K के लिए है।
तो यहाँ पे आप कोई भी इनपुट डिवाइस लगा सकते हैं। एंड लास्ट में आपको HDMI EARC मिलता है, इसके थ्रू में आप प्रोजेक्टर या टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको पावर सप्लाई में कनेक्ट करेंगे, उससे पहले आपको स्पीकर को कनेक्ट कर देना है AVR के साथ। जैसे मैं आपको बताया था, बैक साइड में आपको सभी चैनल का पोर्ट मिलता है, सभी स्पीकर को आपको ध्यान से कनेक्ट कर देना है। एंड सबवूफर के लिए आप एक सबवूफर यूज कर सकते हैं या दो भी कर सकते हैं। जैसे कि ये 7.2 चैनल का है, तो आपको सैटेलाइट स्पीकर जो है वो 5 यूज करना है, डॉल्बी एटमॉस का 2 स्पीकर यूज करना है, उसके साथ साथ एक या दो सबवूफर आपको यूज करना है। स्पीकर कनेक्ट करने के बाद पावर सप्लाई में इसको कनेक्ट करना है। पावर सप्लाई में जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो आपको एक डिस्प्ले चाहिए, जैसे कि एक टीवी है, तो टीवी में कनेक्ट करना है। एंड इसका बेसिक सेटअप करना है, जिसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने वाला हूं, वो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उसका सेटअप पहले करना है, उसके बाद इसका साउंड को कैलिब्रेट करना है। तो कंपनी इसमें आपको एक माइक्रोफोन देता है, ये माइक्रोफोन लगा के आपको साउंड को कैलिब्रेट करना है। जैसे कि आपको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसी हिसाब से स्पीकर को प्लेस करना है, उसके बाद वो माइक्रोफोन लगा के कैलिब्रेट करना है। जैसे ही कैलिब्रेट हो जाता है, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी इनपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप Amazon Fire TV Stick 4K हुआ, या गेमिंग कंसोल हुआ, या कोई भी मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेयर को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, या आपका DTH भी हुआ तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्विकली मैं सब कनेक्ट करके सेटअप कर देता हूं, उसके बाद हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बेसिक सेटअप भी कर दिया हूं, उसके साथ साथ साउंड कैलिब्रेशन भी कर दिया हूं। तो यहां से आप AVR का डिस्प्ले देख सकते हैं, ऐसे ही डिस्प्ले आपको मिलता है, जिसमें आपको सभी इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, जो कि व्हाइट कलर का लाइट के साथ डिस्प्ले आपको मिलता है। तो इसमें मैं अभी गूगल क्रोमकास्ट को कनेक्ट किया हूं। तो फ्रेंड्स, मैं स्पीकर का प्लेसमेंट प्रॉपरली सेटअप कर दिया हूं। तो अभी मैं सेंटर में बैठा हूं, मेरा चारों तरफ स्पीकर है। तो पहले हम कुछ मूवी क्लिप प्ले करेंगे, जिसमें हम सराउंडिंग साउंड चेक करेंगे, उसके बाद कुछ म्यूजिक प्ले करेंगे। तो आप हेडफोन पहन लीजिए, तो साउंड क्वालिटी आपको बेटर पता चलेगा। म्यूजिक या वीडियो में आप यहाँ पे साउंड मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं म्यूजिक में कुछ साउंड मोड चेंज करके आपको साउंड सुनाया, तो यहाँ पे बहुत सारे मोड आपको मिल जाता है, जो मोड आपको अच्छा लगता है वहां से आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैं अभी ये AVR का साउंड आपको सुनाया, इसमें कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं जो कि डॉल्बी डिजिटल एनेबल है या डॉल्बी एटमॉस एनेबल है, तो उसका सराउंडिंग इफेक्ट आपको सेम टू सेम थिएटर जैसा ही फील होगा। एंड सेकंड, अगर आप कोई म्यूजिक सुनते हैं तो भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप इंडिविजुअल चैनल का सराउंडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप सराउंडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, या स्टेरियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप इसमें सेट कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप कोई भी वोकल सुनते हैं या कोई मूवी का डायलॉग वगैरह भी सुनते हैं, तो डायलॉग एनहांसर भी इसमें है, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करता है। तो थ्रू आउट साउंड के ऊपर आपको कोई भी इसमें कंप्लेंट नहीं आने वाला है, जस्ट आपको अच्छा क्वालिटी का स्पीकर यूज करना है। अब वीडियो का बात करते हैं, तो जैसे मैं इसमें Amazon Fire TV Stick 4K को यूज करके चेक किया, Google Chromecast को भी चेक किया, तो इसमें आपको Dolby Atmos मिल जाता है, HDR 10 भी मिल जाता है। तो पास थ्रू में भी आपको कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है, आप गेमिंग कंसोल को भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बैक साइड में इसका 6 HDMI इन पोर्ट मिलता है, तो कोई भी डिवाइस आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, अप टू 8K वाला डिवाइस भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसका आउट जो है HDMI EARC है, उसको आप टीवी या प्रोजेक्टर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो डिवाइस है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाता है, एंड ये आपको मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाता है। तो अभी हम बात करते हैं इसका वारंटी एंड इसका प्राइसिंग के।
बारे में। जैसे कि मैं अनबॉक्सिंग के टाइम में आपको दिखाया था, बॉक्स पैक में लिखा था अगर आप ऑनलाइन इससे परचेस करते हैं तो आपको वारंटी नहीं मिलता है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करते हैं जो प्राइस पॉइंट में ये आपको मिलता है, अगर आप ऑफलाइन इसको स्टोर से परचेस करते हैं तो अप्रोक्सीमेट डबल प्राइस में ये आपको मिलता है। तो ये यूनिट मैं अपना पर्सनली यूज़ के लिए ही परचेस किया हूँ, ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है। तो ये मुझे amazon.in में अप्रोक्सीमेट 56,000 में मिल गया। अगर आप सेम प्रोडक्ट को ऑफलाइन स्टोर से परचेस करते हैं तो मिनिमम 92,000 ऑनवर्ड्स में ये आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप सोचना पड़ेगा आपको, जैसे कि ऑनलाइन में जो प्राइस में आपको मिलता है उसमें आपको वारंटी नहीं मिलता है, बट ऑफलाइन प्राइस में डबल प्राइस के आसपास में मिलता है आपको, बट वहाँ पे आपको वारंटी मिलता है। तो चूज आपको करना है कहाँ से आपको परचेस करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून।